बबला की खूबसूरत थी। यह अपनी खूबसूरत आंखों से सुंदर चेहरे से डाका डालती थी और अमीरजादों को पहले फंसाती थी, फिर उन्हें ब्लैकमेल करती थी, पैसे ऐंठती थी। जो पैसे नहीं देता था उसे रेप के झूठे मामले में फंसा लेती थी। यह 6-9 जमानों को अपना शिकार बना चुकी थी, कुछ मध्य प्रदेश के, कुछ प्रदेश के बाहर के। अब आपके सागर शहर में शादी, बर्थडे पार्टी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सर्व सुविधा युक्त स्थान एमएस गार्डन, जहां मिलेगा एसी और नॉन एसी रूम के साथ साथ पार्किंग की शानदार व्यवस्था, वाटर प्रूफ कैंपस, संपूर्ण गार्डन में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी, वो भी आपके बजट में। तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। पता एमएस गार्डन, तिलकगंज, सागर। साथ में नौजवान को जब इसने अपने रूप जाल यानी हनी ट्रैप में फंसाया तो यह नौजवान थोड़ा चालाक निकला। इसने अपने परिवार को बताया और फिर मामला ऐसे बढ़ा, यह खूबसूरत युवती अब सलाख से पूछे। मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर से जुड़ा है। जबलपुर से लेकर देश के अन्य हिस्सों में हनी ट्रैप का जाल बिछा कर हाई प्रोफाइल और रसूखदार लोगों को ब्लैकमेल करने के आरोप पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराकर पैसे ऐंठने की आधा दर्जन से अधिक शिकायतें थी। 4 लोगों पर तो बलात्कार का मामला भी दर्ज करा चुकी है। पुलिस ने आरोपी महिला को अदालत के आदेश पर अब जेल भेज दिया है। इसका इसमें पूरी टीम काम करती है, जिसमें से कुछ इसके बिजनेसमैन भी है, कुछ एडवोकेट लोग भी है, उनके साथ मिले हुए हैं। ये सब मिलके खूब ज़्यादा, क्योंकि इसमें धन एकदम इजी आता है और ज़्यादा पैसा आता है, इकट्ठा लाखों में इकट्ठा आता है। लोग शर्म के मारे इसमें कुछ किसी के सामने नहीं आ पाते, इसलिए ज़्यादा पैसे दे देते हैं। इसलिए इसको उन्होंने एक बहुत बड़ा अच्छा धंधा बना के रखा हुआ है। पैसे ठीक पैसे मांगिए, पैसे आपने नहीं दिए तो फिर उनको ब्लैकमेल करेगी, भाई हम आपके ऊपर रेप पे केस लगा देंगे। हम पूरे LLB खुद पास किए हुए हैं, हमको सब मालूम है। आपने परिवार दायर किया था? हाँ, हमने ऐसे एक हमारे पंचायत में किया था, एक परिवार दायर किया गया था जिसमें माननीय सेशन कोर्ट ने उनके ऊपर चार्जशीट दायर की गई। पुलिस की माने तो हीरा केके एंड कुकीज का संचालक जो जबलपुर के नरेश टुटेजा के परिवार पर कोर्ट के आदेश पर महिला के खिलाफ जांच कराई गई, जिसमें टुटेजा परिवार का आरोप कि महिला ने हनी ट्रैप में फंसा कर मोहित टुटेजा को बलात्कार के मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर 15 लाख रुपए की मांग की थी। मोहित 7वां शख्स था जिसने इस पुष्प की महिला को अब जेल पहुंचा दिया है। इससे पहले जबलपुर के 2 युवकों को जाल में फंसा कर शादी का झांसा दिया और उनकी संपत्ति अपने नाम करवा ली। अब उन्होंने इसका विरोध किया तो एक के खिलाफ घमापुर और दूसरे के खिलाफ डिंडोरी में बलात्कार का मामला यह युवती दर्ज करा दी। इसी तरह दो अन्य युवकों पर भी ऐसा ही आरोप लगाया। एक पीड़ित ने तो महिला और उसके साथी के खिलाफ कानपुर उत्तर प्रदेश में 40 लाख रुपए की ब्लैकमेलिंग की शिकायत भी दर्ज कराई। लगातार फरार चल रही थी, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 2,500 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। आपको बताना चाहेंगे कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर CSP महोदय ओमती संभाग के बताने अनुसार थाना ओमती के पुलिस स्टाफ उप निरीक्षक श्रीराम सनोटिया, ESI राजेश मिश्रा जी, उनके साथ में रामजी पांडे हैं और थाना बेलबाग से सब इंस्पेक्टर बख्शा सलामी की टीम के द्वारा आजित आरोपी महिला को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें माननीय न्यायालय पेश कर रहे हैं। इस सुंदर महिला के पीछे गजब की साजिश थी, गजब की चालाकी थी, गजब की बेईमानी थी और हैरान करने वाला हनी ट्रैप का मामला था। अब यह युवती सलाखों के पीछे, इसका एक गिरोह था जिस पर अब पुलिस की नजर है। पुलिस जल्द ही उसे गिरफ्तार करेगी, लेकिन एक बात तय है कि अमीरजादे और कुछ मनचले युवक औरतों की, युवतियों की सुंदरता के चक्कर में फंस जाते हैं, फिर बाद में पछताते हैं और पैसों के साथ अपने परिवार को भी तबाह कर बैठते हैं। इसलिए सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में या फेसबुक में सुंदर तस्वीरों को देखकर
उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने से पहले सब कुछ जान ले, क्योंकि दोस्ती के पीछे कहीं साजिश तो नहीं छुपी। इसको भी भाप नहीं, जैसे 7 लोग इस महिला के चक्कर में आए, ऐसा ना हो कि आप किसी महिला के चक्कर में पड़ जाए और फिर सब कुछ बर्बाद कर दे। इसलिए वक्त समझदारी का है और वक्त सावधानी का है। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। सागर का शानदार होटल, रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉरपोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल, तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश।